हाय गाइस, अगर आप आज के टाइम पे 20,000 रुपए के अराउंड कोई फोन खरीदने जाते हो तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट मेरा मानना है कि ये तीन बहुत अच्छे फोन है। मोटोरोला की एक अपनी मार्केट है, वो स्टॉक एंड्रॉइड देते हैं। नार्जो जो है एक बहुत बैलेंस फोन लेकर आया है, और साथ में आईकू तो सुपर परफॉर्मेंस वाला फोन लेकर आया है। तो आज मैं आपको आंसर करूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो। एक ऑफ टॉपिक बात बताता हूं, आप में से कुछ लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि भाई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, आंखों को चुभता है रात को जब वीडियो देखते हो, तो मैंने थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करी है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये सेटअप आपको कंफर्टेबल है कि नहीं। डिजाइन की बात करते हैं, अगर मैं तीनों फोन आप लोग को साइड बाय साइड दिखाऊं तो मेरे हिसाब से जो आईकू का बैक पैनल है या फिर जो पूरी फिनिश है उसकी, वो मेरे को थोड़ी सी प्रीमियम लगी है। लेकिन मैं बता देता हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मोटो G82 या फिर नार्जो 50 प्रो जो है बहुत ही सिमिलर से है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिट एलिमेंट तो नहीं है। और अगर आप इन तीनों फोन को फ्रंट से देखते हो ना, मेरे हिसाब से मोटोरोला ने सबसे ज्यादा मॉडर्न लुकिंग फोन बनाया है। यहां पर चिन बिल्कुल ना के बराबर है, बेजल्स बहुत पतले है, और रियलमी में सबसे मोटा बेजल यहां पर देखने में मिलता है नीचे की साइड। लेकिन आईकू और रियलमी है जो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी वो एक प्रीमियम फीचर तो है, क्योंकि मोटोरोला में जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। हां, इन तीनों फोन में जो है सिर्फ आईकू है जो आपको वाटर ड्रॉप नॉच देता है, जो कि मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा 2022 में, लेकिन जो बाकी दोनों फोन है वो हमें पंच होल कैमरा देते हैं। इन तीनों फोन को मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मोटो G82 में ना हमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं जो कि अच्छे है, लेकिन जैसे आप 100% वॉल्यूम पे सुनते हो ना कुछ भी, तो पूरा बैक जो है वाइब्रेट करता है, और प्लस मोटो G82 के जो बटन्स है ना वो बहुत ज्यादा चीप फील होते हैं। लेकिन इस फोन के अंदर हेडफोन जैक है, और साथ में 13 5G बैंड्स है जो कि और कोई नहीं दे रहा इनमें से, और साथ में मोटो जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देता है, तो आप स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आप क्लोजली आईकू को देखने गए ना, तो यहां पर हेडफोन जैक नहीं दिया इन्होंने, साथ में मोनो स्पीकर है, एक ही स्पीकर देखने में मिलता है। अगर आप गेमिंग करोगे तो वो भी इजिली ब्लॉक हो सकता है। साथ में इन्होंने स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं दिया है, और इसमें जो है 7 5G बैंड्स मिलते हैं। अब आपने इन दोनों की बात सुन ली, अगर आप नार्जो को देखने गए ना, आपको सबसे ज्यादा बैलेंस फील होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हेडफोन जैक भी मिलता है, स्पीकर्स भी काफी लाउड एंड क्लियर है, बटन्स भी इसके काफी अच्छे हैं, और डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, तो आप स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये फोन जो है सिर्फ 5 5G बैंड लेकर आता है, जो कि इन दोनों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप फीचर्स वाइज देखते हो, डिजाइन वाइज अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं, तो मुझे जो है नार्जो 50 प्रो सबसे बैलेंस लगा है। और अगर लुक्स की बात करूं तो आईकू Z6 प्रो मुझे सबसे ज्यादा सुंदर फोन लगा है। और अगर आप डिस्प्ले डिपार्टमेंट देखते हो ना इन तीनों फोन का, तो यहां पर मोटोरोला ने सबसे बड़ी डिस्प्ले डाली है, 6.6 इंच की है। बाकी दोनों फोन जो है ना, आईकू और नार्जो, उनमें 6.4 के आसपास मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोटोरोला के पास कि यहां पर 120 हर्ट्ज के साथ OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये कुछ ज्यादा ही अच्छी डिस्प्ले है। और अगर आप नार्जो और आईकू को देखते हो ना, तो ये 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में। तो यहां पर मैं सीरियसली तारीफ करना चाहूंगा मोटोरोला की कि इतनी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले डाली है इन लोगों ने कि मेरी पर्सनल टेस्टिंग में सबसे ऊपर आया है। इनफैक्ट ये जो मोटोरोला का फोन है ना, HDR सपोर्ट नहीं करता अपने प्रोसेसर की लिमिटेशन की वजह से, बट स्टिल मैं तीनों फोन में आपको HDR कंटेंट चलाकर दिखाता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि भाई मोटोरोला फैंटास्टिक परफॉर्म करता है। इनफैक्ट प्राइम वीडियोस पे मैंने कुछ टेस्ट किया है, मैंने द बॉयज करके शो चला रखा था तीनों फोन में, और वो HDR है, और नार्जो के इतने ज्यादा वॉश आउट कलर आ रहे थे कि भाई मैं इस डिस्प्ले को अच्छा नहीं बता सकता है। भाई नार्जो की डिस्प्ले थोड़ी सी डल लगती है। थोड़ी सी स्पेसिफिक चीजें बताऊं तो टच सैंपलिंग रेट जो है ना, रियलमी और मोटो 360 हर्ट्ज का दे रहा है, और आईकू जो है 180 हर्ट्ज का दे रहा है। और मैंने इन तीनों फोन्स को टेस्ट तो करा हुआ है सनलाइट के अंदर भी, और मैं बता देता हूं जो रियलमी और मोटो है वो 1000 निट्स की ब्राइटनेस लेकर आते हैं, आईकू में बहुत ज्यादा है 1300 निट्स की। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल यूज में बता रहा हूं कि तीनों डिस्प्ले जो है बहुत अच्छा काम करती है, आपको आउटडोर विजिबिलिटी में किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीजों को अगर मैं सम अप करना चाहूं ना थोड़े टेक्निकल तरीके से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रियलमी में कलर्स की थोड़ी सी मेरे को इशू लगा कि पर्पलिश टोन काफी दिखती है उसके अंदर। इनफैक्ट आईकू में जो है थोड़ी सी येलोइश डिस्प्ले ज्यादा दिखती है। मेरे हिसाब से सबसे एक्यूरेट और सबसे अच्छी डिस्प्ले मोटोरोला ने दी है, जो फैंटास्टिक कलर्स दिखाती है, और एनी डे मैं मोटोरोला को ही विनर बताना चाहूंगा। अगर आप तीनों फोन का बैटरी डिपार्टमेंट देखते हो ना, तो यहां पर रियलमी और मोटोरोला 5000mAh की बैटरी लेकर आते हैं, लेकिन आईकू जो है 4700mAh की बैटरी दे रहा है, और आईकू में जो है 66W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। मेरे हिसाब से भाई किलर कॉम्बिनेशन है। और अगर मैं सबसे बुरा बताना चाहूं तो वो मोटोरोला है जो कि 30W की चार्जिंग दे रहा है, क्योंकि रियलमी भी 33W दे रहा है।
30 वॉट मेरे हिसाब से काफी कम है मोटोरोला का। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर चीजें जो है ट्विस्ट हो जाती है। तीनों जो है एंड्रॉइड 12 देते हैं, अपनी अपनी यूआई के साथ आते हैं, बट मोटोरोला का कोई मैच नहीं है। ये जो है स्टॉक एंड्रॉइड की फील दे रहे हैं, एक बार उसका नोटिफिकेशन सेंटर देखो, एक से एक फीचर इनकी यूआई के अंदर मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, काफी क्लीन एक्सपीरियंस देती है, एज सच कुछ ब्लोटवेयर भी नहीं है। बाकी जब आप रियलमी और आईकू यूज करने जाओगे ना तो आपको आईकू के ब्राउजर के थ्रू ना बहुत सारे एड्स वाली नोटिफिकेशन दिखेगी और रियलमी में जो है हमें ब्लोटवेयर मिलता है। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि रियलमी में ना नेटफ्लिक्स की ऐप आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते प्ले स्टोर से, पता नहीं क्यों वो हटा दी है और आपको जो है गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात ऐसी है, जिसको एक पीसफुल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए हो जो कि लाइक काफी अच्छा स्मूथ चलता है, तो मैं एनी डे मोटोरोला को ही विनर बनाऊंगा। लेकिन मोटोरोला को मैं परफॉर्मेंस में विनर नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप देखते हो तीनों के प्रोसेसर तो तीनों फोन में अलग अलग है। जैसे आईकू जो है स्नैपड्रैगन 778G लेकर आता है और नार्जो 50 प्रो जो है डायमेंसिटी 920 लेकर आता है, और जो मोटोरोला है वो स्नैपड्रैगन 695 लेकर आता है, जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट प्रोसेसर है। शॉर्ट सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो है आईकू में लगा हुआ है। इनफैक्ट आईकू जो है LPDDR5 रैम देता है और बाकी रियलमी और मोटोरोला जो है LPDDR4X रैम देते हैं। नो डाउट आईकू जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन बनाता है, क्योंकि अगर आप N22 स्कोर्स भी देखते हो या फिर बाकी बेंचमार्क स्कोर्स भी देखते हो तो एनी डे जो है आईकू विन कर जाता है। इनफैक्ट डिस्क स्पीड टेस्ट में भी जो है आईकू की सबसे ज्यादा स्पीड आई है, तो भाई यहाँ पर हार्डवेयर चॉइसेस आईकू की बहुत अच्छी थी। एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अगर गेमिंग और परफॉर्मेंस आपकी हाई प्रायोरिटी है तो मेरे हिसाब से आईकू बेस्ट फोन है, क्योंकि मैंने BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी और एपेक्स लेजेंड जो है इंस्टॉल किया था और सबसे बेस्ट सेटिंग्स जो है आईकू Z6 प्रो देता है और गेम प्ले भी उसका बहुत अच्छा है। और अगर रियलमी और मोटोरोला की बात करें तो BGMI में जो है रियलमी ज्यादा अच्छा है, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर जो है मोटोरोला ज्यादा अच्छा है और एपेक्स लेजेंड जो है दोनों फोन में सेम परफॉर्म करता है। तो आप यहां से एक पॉइंट कैच कर सकते हो कि अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो माइंड में आईकू Z6 प्रो रखो, बाकी कंक्लूजन में बताता हूं। और अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की डिटेल में। अगर आप Realme को देखते हो तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, Motorola का 50 और iQOO का 64 मेगापिक्सल का। बाकी तीनों फोन में जो है 8+2 के कैमरा सेटअप है। और इन कैमरा सेटअप में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि Motorola का क्लेम है कि वो OIS देते हैं, जो कि ऑब्वियसली काफी हिट एंड मिस वाली बात है। मेरी टेस्टिंग मुझे फील हुआ कि कभी कभी OIS वर्क करता है और कभी कभी नहीं करता। बाकी फ्रंट कैमरा जो है तीनों फोन के 16 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। और जब मैंने इन फोन से फोटोज खींची ना, काफी अलग रिजल्ट्स थे। जैसे कि Realme जो है थोड़ी सी पंची और सैचुरेटेड फोटोज खींच रहा था और जो iQOO बहुत ज्यादा शार्प फोटोज खींचता है, उसमें थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है। और जो Motorola है वो बहुत सॉफ्ट फोटोज खींचता है और मुझे लगता है कि काफी न्यूट्रल कलर उसके रहते हैं। देखो फोटोज का हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो मुझे लगता है कि Narzo 50 Pro बेस्ट इमेज प्रोसेसिंग करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो HDR ओवर प्रोसेस कर देता है, बट इन जनरल मुझे ऐसा फील होता है कि Realme ज्यादा अच्छी फोटोज खींचता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि iQOO Z6 Pro अच्छा नहीं है, मेरी टेस्टिंग में वो सेकंड नंबर पे आया और थर्ड में जो है सॉफ्ट फोटोज होने की वजह से मैं Motorola को रखूंगा। और अब है ना अल्ट्रा वाइड की फोटोज देखो, यहां पर मैं फिर से वो रिपीट करूंगा कि Narzo 50 Pro की इमेज प्रोसेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, काफी अच्छी अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेता है ये। iQOO भी ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा ब्राइट कर देता है। अल्ट्रा वाइड लेंस का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, मैं टीम मेंबर की फोटो खींच रहा था अल्ट्रा वाइड से और आप देख सकते हो कि Realme ने सबसे सही तरीके से बैलेंस करा है, जबकि iQOO ने काफी लाइक ब्राइट करने की कोशिश करी है स्किन टोन को। और मोटोरोला तो बिल्कुल डार्क हो गया था तो वो मुझे फोटो पर्सनली पसंद नहीं आई। ऐसी मैंने बहुत सारी फोटोज खींची और मुझे फील हुआ कि Realme बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और हाँ यार मोटोरोला काफी डार्क रहता है। और इसके बाद जो है मैंने फ्रंट कैमरास टेस्ट करे तीनों फोन के और मेरे हिसाब से iQOO Z6 Pro बहुत अच्छे सेल्फीज लेता है, क्योंकि वो जो कलर्स है ना, जो स्किन टोन होती है वो सही रखता है, HDR भी बहुत सही रहता है। ओवरऑल सेल्फीज मुझे iQOO की पसंद आई और जो Realme है ना वो ओवर शार्पनेस कर देता है। कलर्स वगैरह ठीक है, बस ओवर शार्पनेस मुझे पसंद नहीं आई। और Motorola जो है डार्क स्किन को हल्की सी रेड करने की कोशिश करता है, बट ओवरऑल मुझे iQOO पसंद आया। अब नाइट मोड की बात करते हैं और मेरे पास कुछ फैक्ट्स है आप लोग को दिखाने के लिए। अगर आप तीनों की फोटोज देखते हो ना तो Realme जो है एक डार्क सीन मेंटेन करता है और हाईलाइट भी ठीक से मैनेज करता है और कोशिश करता है ज्यादा ज्यादा डिटेल निकालने की। लेकिन जो Motorola है वो बहुत स्ट्रगल करता है डार्क एरियाज में से थोड़ी सी शेडो को रिटेन करने में, उसको डिफिकल्टी तो होती है। पर iQOO का जो नाइट मोड है ना वो डार्क सीन के अंदर है ना काफी ज्यादा ब्राइटनेस लाने की कोशिश करता है, उस चक्कर में शेडो वाले एरिया में जो है नॉइज आ जाती है। और जब भी मैं नाइट मोड टेस्ट करता हूं ना तो मैं हमेशा आपको चीज बताता हूं कि मेरा पर्सनल टेस्ट यही है कि जब नाइट मोड से फोटो खींचो ना तो हल्का सा एक नाइट वाला सीन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दो, थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन ये जो मैंने बात बोली ना, अगर आप नाइट मोड को ह्यूमन सब्जेक्ट में टेस्ट करते हो ना तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर Realme जो है मेरे हिसाब से सबसे
बुरा परफॉर्म करता है, पर आईक्यू जो है फिर से स्किन टोन को जो है ज्यादा ब्राइट करने की कोशिश करता है और ओवर शार्पनेस लगती कभी कभी। और फॉर अ चेंज मोटोरोला ने अच्छा काम किया है यहाँ पर नाइट मोड में, क्योंकि वो सही बैलेंस कर पा रहा है स्किन टोन को। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करते हैं नाइट मोड के अंदर, मैं बता देता हूँ मोटोरोला में नाइट मोड नहीं मिलता अल्ट्रा वाइड में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है। अगर आप आईक्यू और रियलमी को देखते हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियलमी ने बहुत अच्छी इमेज प्रोसेसिंग की है, आईक्यू फिर से जो है ब्राइट करता है और कभी कभी शेडो वाली एरिया में नॉइज आ जाती है। और अब वीडियो की बात करते हैं, जो रियलमी और आईक्यू है वो 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं और मोटोरोला में मैक्सिमम आप 1080p 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, रियलमी की एक अच्छी बात है कि वो 720p पे जो है पोर्ट्रेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि बाकी दोनों फोन में ऑप्शन नहीं है। बाकी जो फ्रंट कैमराज है तीनों के वो 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वीडियो सैंपल देखो, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। मैंने एक चीज नोटिस की कि रियलमी को अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे देते हैं ना, तो वहां पर वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, वो ढंग से शेडोज वगैरह मैनेज नहीं कर पाता। जबकि आईक्यू जो है थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहता है, वो कोशिश करता है कि स्किन टोन को भी ठीक रखे, हाईलाइट भी ढंग से मैनेज रखे। ये चीज मुझे सबसे परफेक्ट लगी इसमें। और मोटोरोला की कलर साइंस मुझे पर्सनली सबसे अमेजिंग लगी है, लेकिन मोटोरोला में जो है स्टेबलाइजेशन की इशू है, क्योंकि मोटोरोला जो है ना EIS और OIS दोनों ऑन करके स्टेबलाइजेशन देता है, तो जैसे स्टिल फ्रेम आता है तो वहां पर अजीब सा एक ग्लिच आ जाता है। मोटोरोला की ये चीज जो है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताई थी, और मैंने नाइट वीडियो भी टेस्ट करी है तीनों फोन की। मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी ही ठीक परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि आईक्यू तो जो है स्टेबलाइजेशन के तरह का जर्क लेकर आता है, मोटोरोला में तो डिटेल दिखती नहीं है, वो शेडोज वगैरह अब कर ही नहीं पाता। और अब फ्रंट वीडियो के सैंपल्स देखो, यहां पर रियलमी जो है ना थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, खुद दिख रहा है हमें वीडियो सैंपल में। आईक्यू ने अच्छा परफॉर्म किया, स्टेबलेशन भी ठीक है, कलर्स वगैरह भी ठीक है। आईक्यू जो ना एक स्टेडी स्टेबलेशन भी लेकर आता है, जो कि थोड़ा सा क्रॉप करता है, बट कोशिश करता है कि आपका चेहरा फ्रेम में स्टेबल रहे। और मोटो G82 में तो स्टेबलेशन है ही नहीं, लेकिन इससे कलर्स फिर भी ठीक रहते हैं। सम अप करके बताऊं तो फोटोज जो है नार्जो 50 प्रो में ज्यादा अच्छी आती है, और जो वीडियो है वो आईक्यू Z6 प्रो बेटर रिकॉर्ड करता है। तीनों फोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं, वैसे ये जो है ऑफर्स वगैरह इनके बहुत वेरी करते रहते हैं। जैसे करंट सिचुएशन की बात करूं तो जो मोटो है वो 20,000 रुपए का मिल रहा है, रियलमी 21,000 रुपए का, और जो आईक्यू Z6 Pro है वो 22,000 रुपए का मिल रहा है। ये सारे रेट है ऑफर लगाने के बाद। और अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो देखो, अगर आपकी ऐसी नीड है कि आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, कि आपको एक ऐसा एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए जो बहुत क्लीन हो, ब्लॉटवेयर ना हो, एड ना आते हो, तो आप मोटो G82 खरीद लो, मेरे हिसाब से आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन आपकी नीड है कि आपको बेस्ट फोन चाहिए इन तीनों में से, तो मेरे हिसाब से वो आईक्यू Z6 Pro है। अगर 22,000 रुपए में आप ये फोन खरीद लेते हो, ट्रस्ट मी, आप एक अमेजिंग फोन खरीद रहे हो। और एक बोनस टिप मैं आपको देके जाता हूँ, रियलमी की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि वो थोड़ा सा हायर प्राइस पे फोन लॉन्च करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका प्राइस कम कर देते हैं। अगर आप नार्जो 50 प्रो को 19-20,000 रुपए का खरीद पाओ ना, मेरे हिसाब से ये एक एक्सीलेंट डील में से एक होगी, तब फॉर श्योर आप यही खरीद। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।